वीडियो में हम चर्चा करेंगे बस्तर विशेष बल के बारे में। तो मुख्यमंत्री निवास में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि बस्तर विशेष बल की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विशेष बल के गठन के लिए निर्देश दिए हैं, जिनमें भर्ती की जाएगी संवेदनशील क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवकों की। इस समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु जो हैं कि जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई और चिटफंड मामलों की हर माह समीक्षा, सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब की तस्करी पर लगाई जाए सख्ती से रोक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर्मियों की समस्याओं का संवेदनशीलता से करें निराकरण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में बस्तर विशेष बल के गठन के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवकों की भर्ती की जाएगी, इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही बस्तर अंचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय भाषा की जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। यदि अंदरूनी गांव के युवकों की बल में भर्ती की जाएगी तो पुलिस का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष बल के गठन का प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि कोविड संकट के काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है, जिसकी तरफ हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। आगे कहा कि पटनायक समिति के माध्यम से छोटे छोटे प्रकरणों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है। लोगों की वापसी की समीक्षा की जाए और बैठक में बताया गया कि पटनायक समिति के समक्ष 625 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें 400 प्रकरणों में समिति ने अनुशंसा की है। न्यायालय से 206 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ने चिट फंड कंपनियों के प्रकरणों को तेजी से निराकृत कर संबंधित लोगों को राशि की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन प्रकरणों की हर माह समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि चिट फंड से संबंधित 17 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही कर 9,04,40,220 रुपए शासन के खाते में जमा किया गया है। रायपुर और दुर्ग में 2 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दुर्ग जिले से संबंधित लोगों को कुल 16.04 लाख रुपए और राजनांदगांव जिले में 1.88 लाख रुपए, बिलासपुर जिले में 2.80 लाख रुपए और बेमेतरा जिले में 2.22 लाख रुपए की राशि वापस की गई है। श्री बघेल ने आगे कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार विभाग द्वारा आवश्यक भर्ती का टाइम टेबल घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पुलिस कर्मियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें और पुलिस कर्मियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करें। उनके प्रमोशन, स्थानांतरण और छुट्टी के आदि मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें। आगे पिछले 18 माह में और विशेष रूप से कोविड संकट काल में आम जनता के बीच पुलिस की अच्छी छवि बनी है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से शराब की तस्करी और सट्टे पर कठोरता के साथ अंकुश लगाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में प्री फैब्रिकेटेड पुलिया बनाए जाए। छत्तीसगढ़ के राज्य के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली से आम जनता में उनके प्रति सम्मान और अपराधियों में डर का भाव हो। उन्होंने सभी जिलों में पुलिस के पेट्रोल पंप प्रारंभ करने के लिए प्रयास करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे होने वाली आय की राशि पुलिस वेलफेयर में खर्च की जाएगी। उन्होंने सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई। बैठक में मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डीएम अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल श्री संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर के विज और श्री अशोक जुनेजा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, श्री पवन देव और श्री हिमांशु गुप्ता सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो दूसरे भी देख सके तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह। धन्यवाद।